हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो ये हॉट क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 2014 में और एनडीए के अंदर 2021 के अंदर आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो जेई और एनडीए एग्जाम दोनों में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लगभग 25 के आसपास हर चैप्टर पर हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस टाइप के हॉट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम, रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं हम। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पर आज हम क्वेश्चन नंबर, ये आज हमारा जो क्वेश्चन है ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, खाली हम एक क्वेश्चन को नहीं, साथ साथ हम कुछ थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर थ्योरी भी आपकी वीक है तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए क्या बोला है, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बोल रहा है कि भाई जेड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मोड ऑफ जेड जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं होना तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया करो, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, x प्लस आइटा वाई, ये रियल पार्ट और ये कैसा पार्ट हो गया, इमेजिनरी। अब वहाँ पर मोड ऑफ जेड गिवन है तो मोड ऑफ जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड ऑफ जेड क्या होता है, मोडुलस, और मोडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। ठीक है, अब मोड ऑफ जेड को क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। रूट नजर आ रहा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको देख करके मुझे सर्कल की इक्वेशन याद आई। इससे पहले हम इसमें आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखिए, जनरल इक्वेशन जो होती है सर्कल की वो इस फॉर्मेट में होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर और इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो ये दोनों जो होते हैं ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये क्या होते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये जो होता है ना विदाउट स्क्वेयर, ये जो होता है ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर जो है वो जीरो 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 मतलब ओरिजिन पर है। और रेडियस अगर हम देखें तो देखिए 4 किसका स्क्वेयर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वेयर, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप समझ सकें। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है भाई। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, इसकी ये जो रेडियस है ना ये 2 यूनिट है। अब देखिए ये 2 यूनिट है, इसका मतलब इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका क्या होगा, 2 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ऐसे इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका -2 बाय रेडियस, तो ये भी 2 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये 2 होगी, लेकिन इधर एक्स एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव वाली है, तो इसलिए -2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये सर्कल के बारे में हमने थोड़ा लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लेट कर रखा है जेड एक्स इक्वल्स एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसमें हाफ प्लस कर रखा है, तो हम भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं जेड प्लस हाफ। तो जेड प्लस हाफ क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस आइटा वाई, और प्लस में क्या कर दिया मैंने, हाफ, ये जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, तो एक्स प्लस आइटा सॉरी एक्स प्लस 1/2, ये दोनों रियल पार्ट थे इनको साथ में लिख लिया मैंने, और आइटा वाई। अब इसका क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोड, तो चलिए हम इसका मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सेम वही रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट आपका क्या होगा, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब आप करते हैं यहाँ पर भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, ताकि स्क्वेयर रूट हट जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा मोड ऑफ जेड प्लस सॉरी 1/2 और स्क्वेयर, और इधर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वेयर, और क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर। अब ध्यान से देखिए इसका फॉर्मेट भी सर्कल की इक्वेशन के जैसा है, सर्कल की इक्वेशन के जैसा है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो जीरो जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 1/2। अब देखिए इक्वेशन में यहाँ माइनस होता है लेकिन हमारा प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव हुई होगी, तो ए जो है आपका कितना हुआ, -1/2, लेकिन वाई में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। यानी कि ये वाला जो सर्कल होगा इसका सेंटर क्या होगा आपका, -1/2 से 0। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, देखिए -1/2 से 0, तो ये बीच में मान लीजिए यहाँ कहीं 1 है
और इनका बिल्कुल हाफ जो होगा वो क्या होगा आपका माइनस वन बाई टू जीरो होगा, होगा या नहीं होगा, पूरा ये टू हो गया तो बीच में वन, और वन और जीरो का हाफ क्या होगा माइनस वन बाई टू। तो अब आपको इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर बोला इसने मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस, इस सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट है उसकी, उससे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट से सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं भाई मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटर ये है और पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो होगी ये रेडियस से कम होगी, और रेडियस से कम होगी तो कम सम सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो यही होगी। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जब भी आपको टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते थे, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो ए बी पॉइंट के बीच में टेंथ क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर होगा। तो क्या होता था आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा आपका एक्स टू, एक्स टू जाएगा आपका माइनस वन बाई टू, इसको मैं एक्स टू वाई टू बोल रहा हूं, इसको एक्स वन वाई वन बोल रहा हूं, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू आपका जीरो है, वाई वन भी आपका जीरो है, तो ये हो गया भाई फाइनल। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये तो पूरा ही जीरो हो गया, इसको सोल्व करेंगे आप एलसीएम लेंगे, टू आएगा एलसीएम यहां से, ठीक है, टू टू जा फोर और माइनस वन, फोर माइनस वन कितना बचेगा थ्री, और इसका क्या था हमारे पास होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आई आपकी कितनी आ गई, थ्री बाई टू वैल्यू आ गई। मतलब इस पॉइंट से सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कोई भी ऐसा पॉइंट आपको चाहिए जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पर हो, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी थी, तो वो मिनिमम डिस्टेंस थ्री बाई टू होगी। थ्री बाई टू का मतलब कितनी होगी 1.5, ठीक है, थ्री बाई टू को डेसिमल में चेंज करेंगे। तो अब देख लीजिए 1.5 जो है वो आपका कहां पर है, यहां पर बोला है इज इक्वल्स टू 5/2, तो 5/2 तो नहीं आया आंसर, लाई इन इंटरवल, इस इंटरवल में लाई करेगा, तो 1.5 आपका इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका मतलब बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।